हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। और दोस्तों, अभी अभी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड ने 398 असिस्टेंट कमांडर की जो भर्ती है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। और दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हम बताएँगे कि कितनी किस वैकेंसी पर कितनी आपकी जो भर्ती होनी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें, क्योंकि हम इसमें जो भी न्यू गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट या एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं हम उसका वीडियो के द्वारा आपको हेल्प देते हैं कि कैसे आप उस फॉर्म को भर सकते हैं या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो बन रही है हमारी वीडियो के साथ और हम ओपन करेंगे अपनी वेबसाइट गायत्री जॉब पर क्रोम में जाकर, और सर्च एरिया में डालना है आपको UPSC 398 CAPF असिस्टेंट कमांडर और सर्च पे क्लिक करेंगे और इस नोटिफिकेशन को जो दिया हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा जिससे कि आप डायरेक्टली इस पोस्ट को ओपन कर लें। तो दोस्तों, इसमें जो बोर्ड है भर्ती बोर्ड वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो है 398, और इसमें जो वैकेंसीज हैं इसमें CRPF की 179 सीट हैं और BSF की 60 और CISF की 84 और SSB की 29 पोस्ट हैं और ITBP की 46 पोस्ट हैं। और जो उसका एडवर्टीजमेंट नंबर है वो 11/1/2018/E1B है, और जो नोटिस नंबर है वो 08/2018 CPF, और एग्ज़ामिनेशन जो कोड है वो CPF है। और दोस्तों, इसके बाद एज की हम बात करें तो इसके अंदर जो एज इन्होंने बोली है वो है 20 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी 20 to 25 ईयर, ना कि 20 साल से 25 साल के होना चाहिए, और 1 अगस्त 2018 को, और दे शुड बी बॉर्न वो जो पैदा हुआ हो वो 2/8/1993 और 1/8/1998 के बीच में। और दोस्तों, जो उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा रिजर्व कैटेगरी वालों को। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर इक्विलेंट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसकी या बैचलर डिग्री के जो समकक्ष जो होती हैं उसके, जैसे कुछ भी अलग से आपने कोर्स किया हुआ हो तो वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपका जनरल OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये है, और फीमेल के लिए SC ST फीमेल के लिए कोई भी उसके अंदर फॉर्म की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और जो कि आप फीस जो डिपॉजिट करेंगे आप वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में कैश या आप ऑनलाइन भी आप इसको पे कर सकते हैं। इसके बाद इसने जो बोला है, मैं आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड से बस यही उन्होंने घुमा फिरा के बोला है। और कैंडिडेट्स जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल आप इसके अंदर जो नंबर दिए हुए हैं उसके आप कॉल भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट आपको बताते हैं किस तारीख से आपको फॉर्म भरना है, वो आपको 25 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे और 21 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो है वो 12 अगस्त है, और जो UPSC असिस्टेंट कमांडर जो एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे अभी उन्होंने इसमें ये बोला है कि जो एग्ज़ाम डेट है 12 अगस्त उससे 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो ये लिस्ट इन्होंने दी हुई है, इनमें से आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं अपना, कौन सा एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके पास नियर पड़ता है उसमें आप सेंटर में उस सिटी में आप जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो इनमें सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ामिनेशन होगा जो कि 450 नंबरों का होगा, और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, और लास्ट में फ़ाइनल इंटरव्यू होगा जो कि 150 नंबर का होगा। फिर फाइनल जो मेरिट लिस्ट लगेगी जो कैंडिडेट्स की जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, उसके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा
उसके अंदर मेल जो कैंडिडेट है उसका 100 मीटर की जो रेस होगी जो कि 18 सेकंड में उसको पूरी करनी है, और 800 मीटर की रेस होगी वो 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है दोस्तों। उसके बाद लॉन्ग जंप जो है वो 3.5 मीटर का होगा, जो कि आपको 3 चांस आपको दिए जाएंगे इसके लिए। और उसके बाद जो शॉर्ट पुट है जो उसका लिए आपको जो वेट होगा उसका वो 7.26 किलोग्राम का होगा, और जो कि आपको 4.5 मीटर का आपका उसका फेंकना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो होगा टेस्ट उसके लिए 100 मीटर रेस है 16 सेकंड में, और 800 मीटर जो रेस है वो 3 मिनट 45 सेकंड में उसको पूरी करनी है फीमेल के लिए, और लॉन्ग जंप जो रहेगा वो 3.0 मीटर है उसके लिए भी उन्हें 3 चांस दिए जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए 165, और चेस्ट 81 सेंटीमीटर से और जो 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट जो होना चाहिए वो 50 किलोग्राम का होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो टेस्ट होगा उसके लिए हाइट जो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, और जो वेट है वो 46 किलोग्राम होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट में जो आपका जो टेस्ट होगा उसमें जो डिस्टेंस आइज़ का जो टेस्ट होगा उसमें डिस्टेंस जो विज़न है बेटर आइज़ के लिए 6/6, 6/9, और वो जो आइज़ का जो टेस्ट होगा वो 6/12 और 6/9 होगा, और नियर वर्जन के लिए बेटर आइज़ N6 और वो ईयर जो है वो N9 होनी चाहिए। और दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट, आपको जो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए हमने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। दोस्तों ये जो आप अप्लाई करेंगे ये दो पार्ट में आपको अप्लाई करना है, इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर फर्स्टली जो आप रजिस्टर्ड होना है तो पार्ट 1 पे ही आपको क्लिक करना है, या फिर आप दोनों अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 के लिए, और पार्ट 2 के लिए आपको पार्ट 2 पे क्लिक करना पड़ेगा। तो पार्ट 1 पे हम क्लिक करके आपको बताते हैं, यहाँ से आपको पूरी डिटेल आप ध्यान से इसको आप पढ़ लें, जो फॉर्म भरने के लिए जो उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको अच्छी तरह रीड कर लें, ये इन्होंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है। और नेक्स्ट लास्ट में चल के फोटोग्राफ का साइज़ कितना होना चाहिए, सिग्नेचर कितने पिक्सल के होने चाहिए, तो दोस्तों ये आपको बड़े ही केयरफुली आपको रीड करना है, कोई भी मिस्टेक ना हो, और आपको यस या नो पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप आवेदन करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म शो हो जाएगा, इसमें अपना नाम और अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी आपकी क्या है वो आपको डालनी है, और आपका आप मैरिड या अनमैरिड वो आपको सिलेक्ट करना है, कम्युनिटी कौन सी है, और इसके बाद फी रिसेप्शन अलाउड शुल्क माफ़ किया गया है या नहीं वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो अपना एड्रेस प्रूफ, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी आपको डाल के यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका क्लिक करने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट आपको कर देनी है, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेंटर आपको चॉइस करना है नेक्स्ट स्टेप में, उसमें सेंटर चॉइस करने के बाद आपको फोटोग्राफ्स और जो सिग्नेचर अपलोड के लिए बोला जाएगा आपको वो अपलोड कर देनी है, और उसके बाद अपना डिक्लेरेशन आपको देना है, और उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आप बैक जाएंगे अपने जो सेकंड नंबर का रजिस्ट्रेशन जो है भाग पार्ट 2 उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर पार्ट 2 में आप जाके पार्ट 2 का आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालेंगे और वहाँ से आप फाइनल सबमिट करेंगे। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करना और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।